ये हमारा आठवां सेशन हम शुरू कर रहे हैं और इसका इसका टॉपिक है भाजपा नहीं खड़ा कर पाई दूसरा चेहरा ब्रांड मोदी का समय पूरा। क्योंकि भाजपा के यहाँ एक भाजपा में एक दिक्कत आज ये लग रही है कि देयर इज नो सेकंड लाइन और वो जो भी बातें हो रही हैं वो केवल मोदी जी के इर्द गिर्द हो रही हैं। मैं एक सिर्फ एक शेर कह के इस बात को मैं करूंगा, थोड़ी देर के लिए आरपी भी थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे, मैं भी आता हूं फिर से। मेरे एक दोस्त हैं राजीव त्यागी, उन्होंने हर सेशन के लिए एक एक शेर भेजे अपनी तरफ। सुबह जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा भाई ये एक मैं शेर भेज रहा हूँ, वो शेर व शायरी के शौकीन है। तो उस सेशन के लिए जो एप्ट है, इस सेशन के लिए उन्होंने भेजा है, भीड़ ने यही रहबर मान लिया है, भीड़ ने यही रहबर मान लिया है, वरना अपने अलावा किसी को घर पहुंचाया हमने। तो उनका कहना यह है कि इस भीड़ ने रहबर मान लिया, हमने अपने को छोड़ के किसी और को घर नहीं पहुंचाया है। थैंक सो मच। मैं शुरू करूंगा, मैं चर्चा शुरू अखिल स्वामी साहब आपसे कर रहा हूं। 2002 में देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये प्लान के साथ आए हैं। हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर बने, नेहरू जी को अगर छोड़ दिए क्योंकि नेहरू जी की समय सुनता हुई, उसके बाद शास्त्री जी, नेहरू जी की एकदम से डेथ हुई, ये हुआ कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, वो मोरारजी देसाई और उनके बीच चला, वो बन गए। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, वीपी सिंह, आप किसी का नाम, नरसिम्हा राव, सिर्फ एक इसमें वो थे। जब मुझे बिल्कुल ठीक से याद है, अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के सबसे बड़े नेता थे, ही वाज द फेस, और उस समय कहीं ये नहीं था कि भाजपा में कौन और बनेगा। लेकिन जब मोदी जी 2014 में इसकी तैयारी शुरू कर रहे थे तो मोदी जी ने ये तैयारी 2002 में शुरू कर दी थी। और आपदा में अवसर कैसे बनाया जाता है, वो गोधरा कांड को उन्होंने कैसे किया और फिर किस किस तरह से उन्होंने ये किया, ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा तड़का मोदी जी बना के आया, मतलब ही प्लान द एंटायर थिंग, मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है और सारी चीजें उसी हिसाब से तय की गई। प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब, इस पे पहली टिप्पणी आपसे ही कर ले रहा हूं कि भाजपा नहीं खड़ा कर पाई है दूसरा चेहरा, ब्रांड मोदी का समय पूरा। मैं आरपी इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, मैं अभी आता हूं बीच में। अखिल स्वामी साहब, आपकी टिप्पणी। नहीं देखिए, वास्तविकता में आनंद जी, बीजेपी ने विकल्प कहां करने का तो प्रश्न नहीं है। अब जो हो रही है बात वो है बीजेपी नहीं, केवल नरेंद्र मोदी जी की। तो जो भी रणनीति है वो नरेंद्र मोदी जी की है, बीजेपी से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैनेजमेंट के तीन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल्स हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है ऑटोक्रेटिक, दूसरा है डेमोक्रेटिक और तीसरा है इम्प्लिसिट बार्गेनिंग। जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है उसकी यही कमजोरी होती है और यही स्ट्रेंथ होती है। आज के तारीख में कोई भी ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है जो कि नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर सके, क्योंकि ये लीडरशिप स्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक है। अब मुश्किल क्या है कि इसकी समस्याएं क्या हैं? इसकी समस्याएं ये हैं कि जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है वो बड़ा शक्की मिजाज होता है, उसको लोगों से विश्वास नहीं होता, क्योंकि डेमोक्रेटिक लीडर तो बाकी लोगों से संवाद करता है, वो दोनों तरह के संवाद करता है, वो आदान प्रदान करता है, विचार विमर्श करता है और टू वे कम्युनिकेशन करता है। तो उसको एक तो जमीनी स्तर का पता चलता रहता है और उसको ये भी पता चलता रहता है कि कौन आदमी ऐसा है जो मेरा विकल्प बन सकता है अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हुई तो। लेकिन जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है उसमें जो व्यक्ति है वो एक तो संवाद नहीं करता, वो एक पक्षीय बात करता है। जब आप एक पक्षीय बात करते हैं, जो 1974-76 में हुई थी उसका इंदिरा जी ने परिणाम भोगा था कि उन्होंने एक प्रकार से जब प्रेस पे और जर्नलिस्ट पे रोक लगा दी और सूचना का आदान प्रदान बंद हो गया, एक पक्षीय जो सूचना है वो बाजार में जाने लगी, जमीनी स्तर पे जाने लगी, तो उनको फीडबैक मिलना बंद हो गया तो वो परिस्थिति वैसी पैदा हुई। तो जब एक ऑटोक्रेटिक लीडर संवाद को बंद कर देता है और केवल एक पक्षीय संवाद करता है तो जनता से कट जाता है, अपने लोगों पे विश्वास करना बंद कर देता है, जो आज की परिस्थिति में वास्तविकता हो रहा है। तो मोदी जी कोई वैकल्पिक विकल्प बनने ही नहीं देंगे, चाहे वो अमित शाह हों, चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो नितिन गडकरी हों। तो उनको ऐसा लगेगा कि जो भी थोड़ा पनप रहा है, जो भी थोड़ा ताकतवर हो रहा है, जैसे कर्नाटका में आपने देखा येदुरप्पा जी के साथ हुआ, तो जो भी पनपेगा उसको वो पनपने नहीं देंगे। अब देखिए, उन्होंने
वहां मुंबई के अंदर महाराष्ट्र के अंदर क्या किया, वहां पे वास्तविकता में आप देखें जो आदमी चीफ मिनिस्टर था वो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, फिर उसके बाद आधा चीफ मिनिस्टर बना। तो जो भी अपनी साइज से बड़ा होगा, चाहे वो मध्य प्रदेश का किस्सा हो, चाहे कर्नाटक का किस्सा हो, चाहे मध्य प्रदेश का किस्सा हो, वो किसी को बढ़ने नहीं देगा। तो एक नेचुरल प्रोसेस है। और क्योंकि आज हम उस युग में हैं, 9 साल से उस युग में हैं जिसमें डेमोक्रेसी से ज्यादा ऑटोक्रेसी हावी है, इसलिए जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल स्वाभाविक है। और बाहरी हस्तक्षेप और बहुत जो संवाद है वो रुक गया है, इसलिए ऐसी परिस्थिति पैदा हुई। जी सर, मैनेजमेंट की जिस तरीके से बात हो रही थी कि मैनेजमेंट किस तरीके से इनका मजबूत था कि 2002 से तैयारी करते हुए और तब ये प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे, सर इन्होंने एक चीज और किया था, जिस तरीके से गुजरात में जब ये मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने पहली बार जो एक स्ट्रेटजिस्ट को लेकर के आए जो प्रशांत किशोर के रूप में, मैनेजमेंट वहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर उसी प्रशांत किशोर ने वहां पर 2012 में इनको कहते हैं कि जीत दिलाई, और फिर 2014 के लिए उन्होंने उनकी ब्रांडिंग का काम किया। अब वो जो ब्रांड में मोदी वाली जो छवि थी जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में जाती थी, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, मुख्यमंत्री का हो, सांसद विधायक से लेकर के और निकाय चुनाव तक का जो चुनाव थे वो सारे भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही थी। अब भाजपा के पास क्या विकल्प बचे हैं जिन पर वो चुनाव में जाने की बात सोचें या चुनाव में उसको लेकर के जाएं, जब इस तरीके की बात होने लगे, जब खुद आरएसएस भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर सवाल उठा दे। अखिल स्वामी सर, देखिए वास्तविकता में आप खुद सोचिए, अगर एक जगह पे 500 वाट का बल्ब जल रहा हो तो वहां पे 20 और 25 वाट के बल्ब की रोशनी कैसे दिखाई देगी। तो वही परिस्थिति है, उन्होंने विकल्प को बनने ही नहीं दिया। और दूसरी बात जो आपने पूछी, देखिए अगर आरएसएस के बावजूद, एक शब्द मैं कहूंगा, एक सेंटेंस कहूंगा, ओवर ब्रांडिंग थ्रिल्स बट किल्स। अगर आप अपने ब्रांड को बहुत ज्यादा उठा देते हैं, मान लीजिए आप वादा करें कि मैं पानी पिलाऊंगा और कैंसर ठीक हो जाएगा, अब शुरू शुरू में आपके जो भक्त लोग हैं वो ये बात फैलाएंगे कि साहब ये पानी पीने से कैंसर ठीक हो गया, मेरे यहाँ ठीक हो गया, उनके यहाँ ठीक हो गया, तो आपकी एक एक बोतल 10,000 रुपए में बिकेगी, लोग पियेंगे, जब फायदा नहीं होगा तो 6 महीने के बाद निराश होंगे और 2 साल के बाद आपको दौड़ाएंगे। तो जब ओवर ब्रांडिंग आप कर देते हैं, जो आपकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है और जो ब्रांड आपने क्रिएट किया है उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ब्रांड नहीं क्रिएट किया और जो ब्रांड है और जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो जनता और कंज्यूमर उसको स्वीकार करेगा। लेकिन अगर आपने ब्रांड को इतना ज्यादा ओवर एम्फेसाइज कर दिया है कि बाकी ब्रांड्स को तो आपने खत्म कर दिया, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे कोई भी हो, बीजेपी का कोई भी नेता हो, आज की तारीख में कोई भी उनको टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। तो क्योंकि आपने एक तो दूसरे ब्रांड्स को धूमिल कर दिया और दूसरे अपने ब्रांड को इतना ज्यादा, और उनके जितने भी समर्थक हैं वो आज के तारीख में केवल मोदी जी की इमेज या उनके मंत्री भी जो हैं वो मोदी जी की इमेज को बढ़ाने में लगे रहते हैं, ब्रांड को बढ़ाने। तो जब आप ब्रांड को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे और छोटा सा भी एक दाग लगेगा, आप बिल्कुल सफेद झक सभी वो पहने हुए हैं शर्ट, उसमें छोटा भी दाग लगेगा तो दिखाई पड़ेगा। तो जब आप अपने ब्रांड को इतना ज्यादा उज्ज्वलित कर देंगे, इतना ज्यादा प्रकाशित कर देंगे, तो लोग आपको, आपको याद होगा 2004 में क्या हुआ था, किसी ने सोचा था क्या कि अटल जी इलेक्शन हार जाएंगे? इलेक्शन क्यों हारे? आपने कहा इंडिया शाइनिंग। अब जनता ने कहा कि भाई कहाँ इंडिया शाइनिंग, मेरे घर में तो रोटी नहीं है, मुझे तो परेशानी हो रही है, आप कह रहे हैं इंडिया शाइनिंग। तो जब आप बहुत ज्यादा ब्रांड को बढ़ा देते हैं और उसको ओवर एम्फेसाइज कर देते हैं तो ब्रांडिंग थ्रिल्स बट किल्स। सर एसएसपी सिंह सर, मैं आपके पास आता हूँ। अखिल स्वामी सर, मैं अभी फिर लौटता हूँ आपके पास। जिस तरीके से सर, जिस दौर में अभी जो अखिल स्वामी सर कह रहे थे कि 500 वाट का बल्ब जब जलेगा और वहां पर 25-50 वाट के बल्ब जलाए जाएंगे तो उनकी रोशनी जो है वो दिखेगी नहीं, जिस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात से चल करके दिल्ली के सत्ता की सफर कर रहे थे, जिस टाइम पे वो सफर, मतलब वो यात्रा वाला सफर है सर, सफर वाला नहीं है, उसमें उस समय पर सर बहुत बड़े बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी में, चाहे उस समय तमाम जो नाम जब देखे जाएंगे, लाल के साडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, बीच से नरेंद्र मोदी निकल करके आए थे। कहा यह जाता है जिस तरीके से संघ उनके साथ खड़ा रहा और जो कहता है संघ कि वो संघ के साथ जुड़े रहे, जमीन से जुड़ करके काम किया और तमाम सारी जो चीजें बताई जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी में क्या आज की दौर में ऐसा कोई नेता नहीं बचा है
जो प्रधानमंत्री के उस रास्ते को रास्ते पर चल करके और उसी तरीके से अब भाजपा को आगे बढ़ाने का काम कर पाए, जिस तरीके से आज भाजपा दो लोगों में सिमट करके रह गई है, भाजपा एक तरफ है, मोदी और शाह का नाम एक तरफ है। जी एसएसपी सिंह, बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो गया तो पूरी बात मैं सुन नहीं पाया, लेकिन जो बात मुझे समझ में आ रही है कि जिस प्रकार की ब्रांडिंग की गई और जिस प्रकार से जो उसकी गुणवत्ता बनी, तो गुणवत्ता को मेंटेन करना आसान नहीं होता है। जो क्वालिटी आप चाहते हैं कि वो सस्टेन करे, वो इतना आसान नहीं होता है। लेकिन रही बात, आप जो बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में जब मोदी जी आए तो कई और बहुत स्टॉलवर्ट लीडर्स थे, तो उन्हीं को तो किनारे लगा करके मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के एक छत्र नेता बने। अब जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, ये जो जो लीडर्स थे उनको तो उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिया, और उसके बाद जो वो एक छत्र नेता पार्टी के बने, तो दूसरे जो सेकंड लेवल के लीडर्स थे उनको तो उन्होंने उभरने ही नहीं दिया। तो सवाल उठता है कि पार्टी के अंदर भी एक शायद सर का कनेक्शन फिर से इंटरप्ट हो गया है। आत्मजीत जी, मैं आपके पास आ जाता हूं तब तक, जब तक दोबारा से शशि सर जुड़ते हैं। जिस तरीके से सर ये आज की बात हो गई, जो गुजरात के जो दो लोग हैं जो पूरी भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं, जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी, जो मैं अभी शशि सर से सवाल ले रहा था, एक तरफ हो गई है, और ये दो जो गुजरात की लॉबी की बात हो रही है, आज वो किसी भी तरीके से किसी दूसरे नेता कि नहीं सुनते हैं। जैसा सत्ता में देखा जाता है कि ना तो कोई वित्त मंत्री है, ना कोई रेल मंत्री है, ना कोई डिफेंस मिनिस्टर है। अभी जब प्रधानमंत्री अमेरिका में गए थे वो डिफेंस डील के लिए, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर का कहीं पता नहीं था। ऐसे में ये जिस सियासत को लेकर के आज प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये सियासत आगे बढ़ती है तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पास क्या बचेगा, कैसे वो सियासत को आगे बढ़ा पाएगी अगर मोदी के सापेक्ष दूसरा नेता भाजपा खड़ा नहीं कर पाई तो? मैं नमस्कार रामप्रकाश जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी ने जो कहा कि एक आदमी पे अगर आप इतना रिलाय करेंगे, आपने देखा इंदिरा गांधी के समय जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की तो वो एक अनडिस्प्यूटेड लीडर थी कांग्रेस पार्टी की, और उनके कद का कोई नेता नहीं था, और उस समय में उन्होंने जो ठीक समझा इमरजेंसी लगाई, और उसके बाद उसने उनको रिग्रेट किया और इमरजेंसी हटा के फिर वो इलेक्शन भी हारी। तो बात यही हो जाती है कि जब आप 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं पे एक आदमी को बैठा देंगे जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है पर उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज है क्योंकि वो 22 साल सीएम रहा है, और कई चीज़ों पर, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो नॉन अलाइन मूवमेंट हो, चाहे वो अमेरिका से दोस्ती हो, आप जानते हैं कि 1962 की लड़ाई में चाइना में हमारा अमेरिका ने साथ नहीं दिया था, और जब 1964-65 में हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो पाकिस्तान के पास अमेरिकन वेपन्स ज़्यादा थे बतरे हिंदुस्तान के पास, और हमारी कभी भी अमेरिकन पॉलिसी में, चाहे वो अमेरिका रहा हो या ब्रिटेन रहा हो, उन्होंने पाकिस्तान को ही कॉलोनाइज किया एज अ मिलिट्री स्टेट, और हम लोगों को हमेशा टेक्नोलॉजी देने में एतराज़ रहा उनका, हमें वेपन्स देने में एतराज़ रहा उनका, हमें सबमरीन्स देने में एतराज़ रहा उनका, हमारी मदद को सिर्फ रशिया आया। जब रशिया 1965 में जवाहरलाल नेहरू से मिलने आया तो जवाहरलाल नेहरू को रशिया ने ये कहा कि आपको जो टेक्नोलॉजी चाहिए, चाहे वो सबमरीन्स की हो, चाहे वो स्टील प्लांट्स लगाने हो, चाहे वो बॉम्बर्स बनाने हो, चाहे आपको MiG-21 चाहिए हो, तो वो सब हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, और हम आपसे बदले में कुछ ऐसी एलिजेंस नहीं मांग रहे कि आप अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ हो जाइए और हमारे साथ रहिए। तो एक प्योर डील हुई, और वो डील वो दशक 80 तक चली। अब बात आ जाती है प्रधानमंत्री मोदी पे। प्रधानमंत्री मोदी पहले डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में जाते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में वो ये कहते हैं कि अगला प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप को होना चाहिए, फिर उसका डैमेज कंट्रोल होता है, 2 साल वो अमेरिका स्टेट विजिट के लिए ना बुलाए जाते हैं ना वो जाते हैं, ये सोच के कि जो बाइडन मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक प्रधानमंत्री का, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इंटरफेरेंस करना, ये विदेश नीति के हिसाब से तो नहीं हुआ पर जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, और जिस तरीके से एक उसका रेफरेंडम ही बनाया गया, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के मंदिर बनाए गए, उनकी पूजा याचना की गई, तिलक लगाए गए, और ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे तो हिंदुस्तान का बहुत विकास होगा, पर हुआ क्या, वो अमेरिकन नीति में हिंदुस्तान फेल हो गया। फिर जब एक सोल प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं
जो स्टेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो सवाल पूछे जाते हैं उसमें एक सवाल उनको पूछा जाता है माइनॉरिटीज के विषय में, तो उसमें कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो हमारी रगों में, और हम लोकतंत्र की, लोकतंत्र को और माइनॉरिटीज को हम पूरा संविधान में अधिकार देते हैं और कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान अधिकार है। ठीक, फिर वो वापस आते हैं, वो वापस आते हैं तो दो काम करते हैं, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि वो आते ही एनसीपी की पार्टी को तोड़ते हैं और उनमें से दागी मिनिस्टरों को पहले तो वो ऐलान करते हैं जाके, एक अपनी प्रेस जब दौरे पे जाते हैं तो दौरे पे वो अनाउंस करते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया एनसीपी के मिनिस्टरों ने और कोई दागी जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। वो इतनी खलबली कर देते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई आईटी को एक्टिवेट करते हैं वापस आते ही, कि अजीत पवार डर जाते हैं, प्रफुल्ल पटेल डर जाते हैं, उनके साथ के मिनिस्टर डर जाते हैं और वो अपने ही पार्टी के छत्रप अपने अपने अंकल शरद पवार को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो वो टूट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ऑपोजिशन यूनिटी जो है वो उनके खिलाफ जाएगी। किसी से बच्चे से पूछ लीजिए अगर आप कि अगर एमवीए में उद्धव ठाकरे और एनसीपी जो पहले टूटी नहीं थी, जो सब इकट्ठे थे, तो उसमें 48 सीटों पे कौन जीतेगा, तो बच्चा बच्चा आपको बता देगा कि कांग्रेस और एमवीए अगर इकट्ठी इलेक्शन लड़ती है जिसमें उद्धव ठाकरे भी हैं, शरद पवार भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, तो 48 सीटों पर नाको चने चबा देगी। यही बात बिहार में हुई। बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के इकट्ठे आ जाने से एक और अलार्म बेल बजी। अब दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक वो बिहार में करने वाले, वो बिहार में उन्होंने लैंडफोर्स कैंप्स में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पे सीबीआई की चार्जशीट फाइल हो गई और उसमें वो तुरंत प्रावधान से कोई ना कोई जजमेंट करा के उनको सजा करा देंगे ताकि वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाते रहे। तो ये विकास का मॉडल है प्रधानमंत्री मोदी का, ऑपोजिशन यूनिटी ना होने पाए, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट रहे। फिर उन्होंने एक और बढ़िया काम किया, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लॉ कमीशन को जून 14 को ये कहा कि आप इस पे रेफरेंडम मांगिए, आप लोगों से सलाह मांगिए। तो पता लगा 20 लाख एप्लीकेशंस वहां पे आई, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की और एक अफवाह उड़ा दी कि माइनॉरिटी के राइट्स ले लिए जाएंगे, ये हिंदुस्तान बन जाएगा, यहाँ पे मेजॉरिटी रूल चलेगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड में ट्रिपल तलाक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, चार शादियों की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। पर वो ये नहीं बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट किसके पास है, उसका ड्राफ्ट मसौदा क्या है, क्या उस ड्राफ्ट मसौदे में जो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें टैक्स बेनिफिट मिलते रहे हैं, क्या वो और कम्युनिटीज में मिलेंगे, क्या एडॉप्शन के राइट्स जो हैं वो सब वर्गों के लोगों को मिलेंगे, क्या मेंटेनेंस के राइट्स सब वर्गों के लोगों को मिलेंगे, मैरिज लॉज क्या होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का अपने पैतृक प्रॉपर्टी पे बराबर का हक होगा कि नहीं पुरुषों के समान। ये सब बातों पे वो चुप हैं, पर वो ये कहते हैं कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाऊंगा और इलेक्शन में तीन नारों का बिगुल बजाते हैं, एक रामराज्य का जिसमें 2024 में रामलला विराजमान हो जाएंगे, एक आर्टिकल 370 का जिसमें कश्मीर के हालात सुधर गए 370 को हटाने के बाद, और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का झुंझुना। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो झुंझुना है ये सिर्फ पोलराइजेशन कमलाइजेशन का एक पुलिंदा है और ये ऑपोजिशन यूनिटी को तोड़ने के लिए, ऑपोजिशन यूनिटी के लोगों को डराने के लिए ये कर किया जा रहा है। अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया के लेकर स्कैम में ये खबर आई कि 52 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया की पकड़ी गई, हालांकि ये फैक्ट नहीं है। जो फैक्ट है वो ये है कि मनीष सिसोदिया के साथ चार लोग और अरेस्ट हुए थे, उसमें अमनदीप धल थे जो ब्रिंको स्पिरिट्स के ओनर हैं, उनके अकाउंट 16.5 करोड़ रुपए के सीज किए गए, एक राजेश जोशी हैं जिनका एक लैंड और फ्लैट है, एक गौतम मल्होत्रा हैं जो दीप मल्होत्रा जीरा डिस्टिलरी वाले थे, उनके बेटे हैं, उनकी बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी और अकाउंट सीज किए गए हैं। ये सेकेंड प्रोविजन अटैचमेंट है, पहली प्रोविजन अटैचमेंट 44 करोड़ की पहले हुई थी जिसमें और लोग भी शामिल थे, उसमें आप कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर थे, इंडो स्पिरिट के MD समी महेंद्रू थे और बिजनेसमैन अमित अरोड़ा थे और एक अरुण पिल्लई थे। तो ये टोटल मिला के 126 करोड़ रुपए की जो बताते हैं कि फर्स्ट प्रोविजन और सेकंड प्रोविजन में अटैचमेंट है, उसमें मनीष सिसोदिया का सिर्फ दो फ्लैट्स हैं, एक 11 लाख रुपए का और एक 52 लाख रुपए का मयूर विहार में और एक गाजियाबाद में 11 लाख रुपए का, और मात्र 11,89,000 रुपए उनके अकाउंट के सीज किए गए हैं। जी, इस तरीके की जब खबरें उड़ाई जाती हैं और इस तरीके के वक्तव्य दिए जाते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि
सब कुछ गलत जो है वो अपोजिशन पार्टीज में हो रहा है। महाराष्ट्र एटीएस ने आपके डिफेंस डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट हैं प्रदीप कुरुलकर, उनको अरेस्ट किया। उनका दोष क्या था कि वो हनी ट्रैप में किसी महिला से, जो कि एक पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर थी, उसको हमारे देश के ब्रह्मोस के अग्नि 6 मिसाइल्स के, मिसाइल लॉन्चर्स के, सरफेस टू एयर मिसाइल्स के और सैटेलाइट मिसाइल्स के, और डीआरडीओ की जो लेटेस्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल रुस्तम का जो प्रोजेक्ट है, और रफेल के बारे में ये सब चीजें इंफॉर्मेशन जो है वो आगे पास ऑन कर रहे थे। इन लोगों का नाम सामने नहीं आता है। इस देश में जम्मू एंड कश्मीर में जब किरण पटेल पकड़े जाते हैं, तो किरण पटेल पे जो 5 महीने से वो वीवीआईपी प्रोटोकॉल में जम्मू कश्मीर में लैंड डीलें करा रहे थे, वो कहाँ है आज की डेट में, उनके बारे में बात नहीं की जाती है। संजय राय शेरपुरिया जिनपे 350 करोड़ रुपए का फ्रॉड है और 25 लाख रुपए उन्होंने मनोज सिन्हा को दिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, उनपे जवाबदेही नहीं दी जाती है। उसमें और भी कई सारे लोग जो शासन के साथ जुड़े होकर ये कहते हैं कि हाँ अमित शाह के रिश्तेदार हैं, जेपी नड्डा के रिश्तेदार हैं, या प्रधानमंत्री के पीएमओ में कार्यरत हैं, और हर स्टेट में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, जगह जगह वो फ्रॉड करते हैं उनके नाम से। पर होता क्या है, उनके खिलाफ केस दाखिल होता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, वो बेल पे छूट। कंप्लीट करें। तो मेरा कहना ये है कि करप्शन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑपोजिशन मेंबर्स पे, ऑपोजिशन मेंबर्स के करप्शन को हाईलाइट किया जा रहा है ईडी सीबीआई द्वारा, जो इस मौजूदा सरकार में रफेल का मुद्दा हो, चाहे वो ड्रोन्स का मुद्दा हो, जो टॉप लेवल से पीएमओ लेवल से जो चल रहा है करप्शन, जो सेंट्रलिस्ट करप्शन चल रहा है, जो फ्रॉम द टॉप चल रहा है, उस पर ये लोग पर्दा डालते हैं। और इसी वजह से जो दारोमदार प्रधानमंत्री मोदी पे है, प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं कि अगर 2024 का वो इलेक्शन हार गए तो जाहिर सी बात है उन पे इंक्वायरी खुलेगी और वो अरेस्ट हो जाएंगे। इस वजह से, इस डर के मारे वो ऑपोजिशन में सेंध लगाकर जगह जगह ऑपोजिशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और गलत नरेशन चला रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा पे चले कि जो मोदी कर रहे हैं वो ठीक है। जी जी, अभी हम भ्रष्टाचार और करप्शन पर भी अभी आएंगे अखिल स्वामी सर के पास। उसके पहले सर, शशि शेखर सर से हम जो सवाल जिस पर बात कर रहे थे उनका जवाब अधूरा रह गया था। सर आप अपनी बात को पूरा करें कि किस तरीके से फिर वो भाजपा खुद को जो है आगे बढ़ा पाएगी, क्या जिस परिस्थिति में अभी भाजपा है जो मैंने आपसे पहले पूछा था, तो उस हिसाब से तो फिलहाल वो खात्मे की तरफ ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। माफी चाहता हूँ, ये लगातार डिस्टर्बेंस की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए पहली बात तो यह है कि जो ब्रांड मोदी की बात हो रही थी और जिस पे चर्चा भी हुई कि जो ऑटोक्रेटिक लीडर्स होते हैं वो अपने दल में भी संगठन में भी सेकंड लेवल के लीडर को पनपने नहीं देते हैं ताकि उसे कोई चुनौती नहीं मिले। दूसरी बात है कि भारतीय राजनीति में एक सच्चाई रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज में और देश के जनतांत्रिक व्यवस्था में भी पर्सनैलिटी कल्ट रहा है, मतलब पर्सनैलिटी को बनाया जाता है, फिर उसकी भक्ति की परंपरा एक प्रकार से शुरू होती है और चमत्कारी नेतृत्व के आसपास पूरी राजनीति घूमती रहती है और इसी कारण से चुनाव में उसी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी के बल पे पार्टियां चुनाव जीतने की कोशिश करती हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को देखेंगे, ये हाईली सेंट्रलाइज्ड पार्टी हो चुकी है और वो एक व्यक्ति के चारों तरफ पार्टी घूम रही है। तो अगर कोई ऐसा नेतृत्व है जो चुनाव जिताने की स्थिति में अगर है तब तो ठीक है, और अगर चुनाव जिताने की स्थिति में वो नेतृत्व नहीं है तो आखिर पार्टी क्या करेगी। लेकिन पार्टी के नेतृत्व ने तो दूसरे स्तर के नेताओं को उभरने ही नहीं दिया। आज सवाल ये उठता है कि अगर आप याद करें कि भाई जो सीनियर लीडर्स थे, जैसा सवाल आपने किया था कि सीनियर लीडर्स तो मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हो गए, और जो मोदी के बाद एक अमित शाह उनके जो बहुत एक करीबी निजी उनके रिश्तों के बल पे आप मान सकते हैं, तो सवाल है कि लीडर कौन है, हु इज द नेक्स्ट वन आफ्टर मोदी, ये सवाल तो अभी भी है और इस सवाल का उत्तर भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है और जनता के पास भी नहीं है। अगर आप जनता में भी ये सवाल करें तो जनता के पास भी ये सवाल नहीं है कि हु विल बी द नेक्स्ट लीडर। तो एक तो ये है कि पर्सनैलिटी कल्ट जहाँ जनतांत्रिक व्यवस्था में प्रारंभ हो जाती है और चमत्कारी नेतृत्व के आसपास जनतांत्रिक राजनीति घूमती है, तो ये संकट तो किसी भी दल में पैदा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में ये संकट इसलिए भी गहरा है कि मोदी ने एकदम पूरी तैयारी के साथ जैसा कहा गया, और अभी भी वो इवेंट मैनेजमेंट है, तो इवेंट मैनेजमेंट जो आप करते हैं तो उसमें आप किसी भी ब्रांड को कैसे जनता के सामने पेश किया जाए, कैसे उसको जनता के सामने
उसको बना के रखा जाए, ये पूरी निरंतर कोशिश चलती है और आज भी वही कोशिश चल रही है। दुर्भाग्य की बात अब ये है मोदी जी के लिए, ये ब्रांड जो है उनका अब टूट रहा है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता जो है जितने वायदे किए, अगर आप देखें 2014 से लेकर के एक भी वायदे को उन्होंने पूरा नहीं किया। हाँ, वायदा कहाँ पूरा हो रहा है, तो मंदिर के नाम पर जो कुछ हो रहा है, मंदिर बन रहा है, 370 के नाम पर जो कुछ उन्होंने किया है वो देखिए। लेकिन 370 के बाद भी उन्होंने कहा था कि जल्दी ही वहाँ पे विधानसभा की है ना, विधानसभा का चुनाव होगा और वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल किया जाएगा, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। एक और सवाल है कि आपने जो बातें की थी कि 370 के आते ही वहाँ लोग प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, कितने लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदा, शादियाँ यानी शादी विवाह लोगों के हो पाएंगे, कितने लोगों ने शादी विवाह किया, ये सारी जो कोशिश होती है तो एक परसेप्शन बनाया जाता है और उस परसेप्शन के बल पर ही लोगों का ओपिनियन बिल्डअप किया जाता है। तो अगर परसेप्शन आपने एक ग्रेट लीडर का बनाया, जैसा भी हमारे एक पूर्व के साथी ने बताया था कि अगर किसी युद्ध के विषय में आपकी छवि बनती है कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध को मोदी जी ने रुकवा दिया था और उसके बाद समझौते की तरफ बात बढ़ी, लेकिन कब युद्ध रुका था? मणिपुर में जो कुछ हुआ उसकी तो आप देख ही रहे कि मणिपुर में एक शब्द भी अभी तक उन्होंने नहीं कहा है। तो सवाल ये उठता है कि मोदी जी का जो ब्रांड है वो निसंदेह अब कमजोर हो रहा है। इसके विषय में ऑर्गेनाइजर में कर्नाटका चुनाव के इमीडिएटली आफ्टर लेख भी छपा था, जो उनका मुखपत्र है उसमें लेख छपा था जिसमें उसने ये कहने की कोशिश की थी कि एक तरफ मोदी जी का नेतृत्व जो उनका लीडरशिप है वो और हिंदुत्व, इन दोनों के बल पर तब तक जो है भारतीय जनता पार्टी राज्यों के चुनाव में चुनाव नहीं जीत सकती जब तक कि स्थानीय स्तर के नेताओं को उभरने का मौका मिले और वहां लीडरशिप, रीजनल लीडर्स जो क्षेत्रीय नेता हैं, राज्य स्तर के नेता हैं, उनको उभरने का मौका मिले। तो मोदी जी तो अभी भी राज्यों के चुनाव में भी इस प्रकार से कंपेन करते हैं जैसे वही मानो जो है मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और जनता यह सोच करके उनको वोट दे दे, उनकी पार्टी को वोट दे दे कि मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सवाल है कि एक गैप बढ़ता जा रहा है लगातार। और एक बात तो मैं और कहूंगा कि अभी भी मोदी जी ऑल इंडिया, ठीक है, जनता के हिंदुओं के बीच का जो एक वर्ग है निसंदेह वो धर्म के कारण और तमाम तरह की जो मुस्लिम विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी जो कैंपेन किया गया है उसके कारण वो पोलराइज हुए हैं, लेकिन अभी भी देखिए कि उनकी पार्टी को 2019 में कितने मत मिले, जो मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूं, तो 14 और 19 में मतों का प्रतिशत कितना है। तो अगर मतों का प्रतिशत है तो अभी भी लगता है कि कांग्रेस ने जब जब भी सरकार बनाई है उस समय जो मतों का प्रतिशत उनका रहा उससे तो मोदी जी अभी भी बहुत पीछे हैं। इसका मतलब कि ऑल इंडिया ब्रांडिंग यानी साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल, यानी कि चारों तरफ मोदी का जो ब्रांडिंग है वो एक सक्सेसफुल ब्रांडिंग नहीं हुआ। और यही कारण है कि दक्षिण में कर्नाटका की हार के बाद दक्षिण की राजनीति में राज्यों में वो कहाँ दिख रहे हैं, आंध्रा में क्या स्थिति आप जानते हैं, तेलंगाना में क्या स्थिति आप जानते हैं, केरला में क्या स्थिति आप जानते हैं और कर्नाटका में क्या स्थिति है। मैं एक और बात कहूंगा, कर्नाटका के चुनाव में 31 कम से कम 31 विधानसभाई क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई। अब सोचिए एक राष्ट्रीय पार्टी, मोदी जैसे ग्रेट लीडर, उनका लगातार रोड शो, रैलीज और कैंपेन और ब्रांडिंग सब कुछ के बावजूद पार्टी के 31 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इसका क्या मतलब होता है? ट्रायंगुलर फाइट था ना कांग्रेस या जेडीएस और ये भारतीय जनता पार्टी, और उसमें जमानत जब्त हो रही है। तो उनकी स्थिति क्या है इस बात को, 104 से वो 66 और 65 के आसपास चले आए, तो इस बात को समझिए। हिमाचल में आपने खुद देखा कि उनकी क्या स्थिति हुई और अब जो आगामी चुनाव हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, तेलंगाना में तो उनकी क्या स्थिति आप जानते ही हैं। लेकिन इन तीन राज्यों में जहां कांग्रेस के सामने या भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी है तो वहां उनकी क्या स्थिति बनेगी? फिर वो उनकी कोशिश वही होगी कि मोदी जी के नाम पर जो है किस प्रकार से वोट मांगा जाए। लेकिन मोदी जी का जो ब्रांडिंग और मोदी जी का नेतृत्व वो किस प्रकार से कमजोर हो रहा है। अब देखिए ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला आखिर वो क्यों लेके आए हैं, उन्हें डर सता रहा है जब मोदी के नाम पर वो चुनाव नहीं जीत सकते, अच्छे दिन तो कभी आए नहीं और तमाम जो अदानी और तमाम जो बातें हुई कि किस प्रकार से कॉरपोरेट के वो एजेंट बने हुए हैं और कॉरपोरेट के एजेंट बनने के बाद जनता को क्या मिला, सवाल ये उठता है। क्या बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो,
तमाम जो भारतीय समाज में जिस प्रकार से नफरत को उन्होंने फैलाया है, तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी का नेतृत्व अब जो है कम से कम जनता के सामने तो कमजोर हो ही गया है। अब रही बात पार्टी में क्या स्थिति बनेगी, देखिए मेरी समझ तो बनती है कि 2024 तक भारतीय जनता जी कनेक्शन शायद सर का फिर से जो है। अखिल स्वामी सर, जो शशि सर बता रहे थे अभी, उसमें दो चीजें, जो वायदे की बात कर रहे थे कि वायदे पूरे होने में उन्होंने दो चीजें गिनाई, एक तो राम मंदिर की और दूसरा धारा 370 की। सर धारा 370 को लेकर के लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या धारा 370 खत्म हो चुकी है। जी शशि सर, नहीं सर की अभी भी कनेक्शन इंटरप्ट है। सर अखिल स्वामी सर, जो धारा 370 को लेकर के लगातार सवाल है कि क्या धारा 370 खत्म हो चुकी है, पहली चीज। दूसरा, राम मंदिर को लेकर के बार बार ये बात होती है कि राम मंदिर भाजपा के नहीं कोर्ट के आदेश से बन रहा है, और कोर्ट के आदेश का जो वो आदेश किन परिस्थितियों में हुआ, जो भी हो उनके पीछे के कारण, उसके बाद में जज साहब का क्या कैसे वो सब अलग चीज है, पर बना तो अल्टीमेटली उसके लिए वो कोर्ट के ही आदेश से बन रहा है ना, तो इसमें भाजपा ने किए हुए वादे कैसे पूरे किए, एक सवाल ये। और इसके पहले जो आतंकजीत जी सवाल उठा रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का डर कि अगर वो सत्ता से बाहर होते हैं तो फिर उनकी जगह भी जेल ही है जहां पर वो तमाम विपक्ष के नेताओं को भेज रहे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी। नहीं नहीं देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल आतंकजीत जी ने कहा बिल्कुल सच बात है। देखिए यही डर है, और इसी डर की वजह से इंदिरा जी ने वो किया था और आज की तारीख में मोदी जी ये कर रहे हैं। देखिए वास्तविकता में ये जो स्थिति है, ये क्योंकि आदमी जो है वो अपनी परछाई से भी भयभीत होने लगता है। जहां तक आपने कहा राम मंदिर की बात, देखिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था देश की स्वतंत्रता के समय, हमारे देश के मंदिर होंगे हमारी इंडस्ट्री। देखिए भारत की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो सबसे बड़ी कमजोरी भी है, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या। विश्व का अकेला देश भारत है जहां पे जनसंख्या बढ़ रही है। बढ़ी हुई जनसंख्या और जवान जनसंख्या की अगर अपेक्षाओं को आकांक्षाओं को आप पूरा कर देंगे, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और अगर इनकी आकांक्षाएं अपेक्षाएं पूरी नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी ये एक प्रकार का खतरा है देश के लिए। तो आज स्थिति क्या हो रही है, देखिए जो युवा वर्ग है जो मोदी जी का सबसे बड़ा समर्थक था, अगर वो पढ़ लिख गया, उसने इंजीनियरिंग कर ली, एमबीए कर लिया, एमए कर लिया, बीए कर लिया, उसके बाद अगर उसको नौकरी नहीं मिली और माँ बाप ने बड़ी आशा के साथ उसको पढ़ाया लिखाया था कि इसको नौकरी मिलेगी, तो आप ये बताएं कि जब अगर इंडस्ट्री लगती, अगर मैं मतलब कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, अगर मान लीजिए सेंट्रल विस्टा ना बनता, मान लीजिए सरदार पटेल की मूर्ति न बनती, और इसके बजाय 500 इंडस्ट्री लग गई होती 100-200 करोड़ की, लाखों लोगों को रोजगार मिलता ना। आज जब ये कहा जा रहा है कि सेना के पास अधिकारियों की कमी है, अगर आप सेना के अंदर नियमों का परिवर्तन करके 15 साल की नौकरी को 4 साल कर रहे हैं, अगर आप सरकारी पद नहीं भर रहे हैं, क्यों नहीं भर रहे हैं? आप इसलिए नहीं भर रहे हैं क्योंकि आप अपने खर्चों को कम करना चाहते हैं, और खर्च क्योंकि आपकी आमदनी तो बढ़ नहीं रही, आपकी जीडीपी तो कांस्टेंट है, उसी रेट से या उससे कम भी हो गई है, जनसंख्या आपकी बढ़ रही है, लोगों की एस्पिरेशन बढ़ रही है। तो जो जहां से हमने शुरुआत की थी कि ब्रांडिंग, अगर आप लोगों की एस्पिरेशन को नहीं बढ़ाओगे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर एस्पिरेशन को बढ़ा दोगे ब्रांड के माध्यम से और उसके बाद लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो माँ बाप के ताने खा के बच्चा भी क्रोधित होकर कहेगा कि भाई मैंने तो पढ़ाई कर लिया, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, अब सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही। उसके बाद क्या होता है, पहले उनसे जो आवेदन भरवाया जाता है उसमें 5,000 रुपये का आवेदन पत्र की फीस ले ली जाती है, एक साल के बाद वो होता है उसका पेपर लीक हो जाता है, अगर पेपर लीक नहीं होता सिलेक्शन होता है वो हाई कोर्ट से स्टे को ही करवा दिया जाता है क्योंकि सरकारी पद ना भरे जाएं। अगर लाखों सरकारी पद खाली हैं और बच्चों की अपेक्षा, और प्राइवेट सेक्टर में आप जानते हो किस प्रकार का दबाव बच्चों के ऊपर होता है, और एक वर्ग को छोड़ के जो 5% का वर्ग है बाकियों की कितनी तनख्वाहें होती हैं और इस कंडीशन में काम करते हैं आपने देखा है। तो ये जो स्थिति है, हमें मंदिर की आवश्यकता, मेरे घर में मंदिर है, आपके घर में भी मंदिर होगा, हर हिंदू के घर में मंदिर है, और मेरा जो भगवान है वो मेरे अंदर है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं ब्रह्म हूं और वो परब्रह्म है, मृत्यु के बाद हमारा ब्रह्म जो है उनके परब्रह्म में विलीन हो जाएगा। तो वास्तविकता में जो सनातन धर्म हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए ये भव्य अट्टालिकाएं आवश्यक नहीं है, जो भगवान शिव है, जो महादेव है, ये बड़े बड़े मंदिरों में नहीं रहते हैं। अब जैसे राहुल गांधी आज चले गए सोनीपत में,
उन्होंने वहां किसानों के साथ धान रोपा। देखिए राहुल गांधी मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, एक ब्रांड क्रिएट किया है मोदी जी ने और दूसरा ब्रांड क्रिएट कर दिया है राहुल गांधी ने। अब मोदी जी क्या ट्रक में ट्रेवल करें, मोदी जी क्या जोमेटो और जो स्विगी के संदेश वाहक हैं उनके साथ बैठ के बातें करें, फटेहाल लोगों से गले मिले। अरे मोदी जी को आपने कभी किसी के एक फटेहाल आदमी के गले मिलते हुए देखा है क्या? कभी देश में किसी को झप्पी लगाते हुए देखा है क्या? विदेश में जरूर झप्पी लगाते हैं, सऊदी अरब में लगा लेते हैं, दुबई में लगा लेते हैं, जिनको गाली कुवैत में लगा लेते हैं, अमेरिका में लगा लेते हैं, भारत में किसी को कभी नितिन गडकरी को या जो नड्डा जी हैं उनको गले लगाते आपने मोदी जी को देखा? किसी भारतीय को गले लगाते देखा? तो एक ब्रांड वो है जो आपने क्रिएट किया है, उसका एक अल्टरनेटिव ब्रांड क्रिएट हो गया है और देश की जो 90% जनता है वो अपने को एसोसिएट करती है जो राहुल गांधी अपने ब्रांड को क्रिएट कर रहे हैं। जो आपने पूछा था कि क्यों नहीं एक वैकल्पिक जो सुषमा स्वराज थी, अडवाणी जी थे, अरे इनके साथ अडानी नहीं थे। अगर अडानी जैसा एक पूंजीपति जहां पे जहां आपको पैसे की जरूरत हो, 50 करोड़ में MLA खरीदना है, MP खरीदना है, आपको ब्रांड क्रिएट करना है, आपको कोई टीवी का स्टूडियो खरीदना है, NDTV खरीदना है, उसके लिए एक आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था, ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था क्या नितिन गडकरी के पास है, राजनाथ सिंह के पास है? नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो राहुल गांधी को स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए थी वही स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई है, आम जनता से अपने को आइडेंटिफाई कराना। अब मोदी जी अपने जिसके साथ उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, अब ये ट्रैक्टर में तो जा नहीं सकते, धान तो रोप नहीं सकते, वो ट्रक वालों के साथ तो घूम नहीं सकते, तो क्योंकि आपने एक ऐसा ब्रांड क्रिएट किया है जिसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, इसलिए जो ब्रांड की लड़ाई है इसमें राहुल गांधी का ब्रांड बढ़ रहा है और मोदी जी का ब्रांड गिर रहा है। जी सर, जिस तरीके से अभी बात हो रही थी राहुल गांधी और ब्रांड मोदी की, सर व्यापारी जो है, जब मोदी जी खुद को व्यापारी बताते हैं, चूंकि वो शुरू से ये बात कहते आए हैं कि वो बचपन से चाय बेचते थे, ठीक है बेचना नहीं बेचना किसने देखा नहीं देखना हम उसमें नहीं पड़ते, पर चाय बेचते थे तो व्यापार है। सर किसान जो है उसको व्यापारी होते हुए देखा गया है, लेकिन व्यापारियों को किसान होता हुआ सर कितने लोगों ने देखा होगा मुझे नहीं पता, और कितने आंकड़े इस तरीके के होंगे जहां व्यापारी खेत में जाकर के खेती करना शुरू हो, किसानी करना शुरू किया गया होगा, तो कुछ वैसा ही सवाल ये भी है। शशिशेखर सर मैं एक बार फिर आपके पास आता हूं, जिस तरीके से अखिल सर बात कर रहे थे पढ़ाई लिखाई की, सर पढ़ाई लिखाई की बात हमारे प्रधानमंत्री की भी खूब होती है, डिग्री को लेकर के कई सारे सवाल उठाए जाते हैं, उसके बाद वो टेलीप्रॉम्प्टर पर देख करके अंग्रेजी बोलने के पीछे पड़ जाते हैं, जो टेलीप्रॉम्प्टर बंद होता है तो शब्द गायब हो जाते हैं, उसमें बोलना कुछ और होता है, बोल वो कुछ और जाते हैं, चूंकि भाई टेलीप्रॉम्प्टर की बात है वहां पर। ये जो दिक्कतें हैं उनकी भाई पढ़ाई लिखाई के संबंध में, जब वो खुद उस स्तर पर हैं तो आज हम पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था क्यों करें भाई, व्यापार की व्यवस्था करें, जो वो नाले के गैस से चाय की व्यवस्था तो कर रहे ना चाय बनाने की, तो फिर हम उनके ऊपर ये सब सवाल क्यों उठाते हैं? नहीं नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां तक मोदी जी की शिक्षा का सवाल है, ये प्रमाणिक है ही नहीं कि उनके पास कौन सी अधिकृत डिग्री है। उनके पुराने इंटरव्यू से यह भी प्रमाणित हो चुका है कि 10th के बाद की उनके पास कोई डिग्री नहीं है। रही बात दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन की बात, वो भी करेस्पॉन्डेंट से, तो चलिए डिग्री तो बराबर है, लेकिन उसका भी कोई प्रमाणिक जो है वो मतलब सर्टिफिकेट मिला नहीं है, और दिल्ली विश्वविद्यालय इस बात का दावा भी नहीं करती है। अभी वो आए थे तो उन्होंने खुद भी ये दावा नहीं किया वो इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रह चुके हैं। और एक और चीज आप जानते हैं कि अगर विश्वविद्यालय का कोई विद्यार्थी किसी उच्च पद पे चला जाए या वैज्ञानिक बन जाए, प्रोफेसर बन जाए या जो भी काफी सेलिब्रिटी हो जाए, तो उसकी तस्वीर लगाई जाती है सेलिब्रिटी के रूप में, ये एक विद्यार्थी जो कभी इस विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ करके निकले हैं, यानी कि ये भी एक ब्रांडिंग है। लेकिन मोदी जी की ऐसी कोई तस्वीर भी नहीं लगी हुई है। रही बात जो पोस्ट ग्रेजुएट की बात है, तो आप जानते हैं कि अमित शाह जी ने जो जिस सर्टिफिकेट का प्रदर्शन किया था, उस सर्टिफिकेट में यूनिवर्सिटी शब्द भी उसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, और दिल्ली विश्वविद्यालय से भी जो सर्टिफिकेट दिखाए गए डिग्री के, उसमें भी यूनिवर्सिटी शब्द गलत लिखे हुए हैं, सिमिलर उसका फॉन्ट है और उसकी जो गलतियां। और ये भी देखिए, जिस मास्टर डिग्री में जिस सब्जेक्ट का नाम है एंटायर पॉलिटिकल साइंस, हालांकि अंग्रेजी में वो एंटायर बोल रहे थे, आपने देखा होगा कि सुना भी होगा, चलिए हम उसको एंटायर पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, आज शिक्षक भी हूँ, मैंने तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए नहीं सुना है,
कोई इस तरह का सब्जेक्ट या डिसिप्लिन है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में उनकी वो डिग्री भी जो है प्रमाणिक नहीं है। और रही बात मोदी जी खुल करके एक बार भी अपनी शिक्षा के विषय में ये तो कहते हैं कि वो मास्टर डिग्री यानी एमए है पॉलिटिकल साइंस में, उन्होंने ग्रेजुएशन किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से, वो तो एक बार भी नहीं बोलते। तो इसलिए वो सबको झूठ प्रमाणित हो चुका है। जब तक उनके पास सत्ता है और उस सत्ता के बल पर झूठ का प्रचार, और भारत का दुर्भाग्य ये है कि जनता को बहुत सारे सत्य से अवगत कौन कराएगा, वो तो मीडिया की जिम्मेदारी होती है। और मीडिया ही अगर झूठ फैलाने पर तुली हुई है, मीडिया ही उनके विषय में जो भी यशोगान करना है वो मीडिया कर रही है, तो आम आदमी, अब मुझे बताइए कि जितने इस तरह के यूट्यूब हैं या जिस तरह के सोशल मीडिया पे इस तरह के इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस जो बॉडीज काम कर रही है जनता तक पहुंचने की, उनका रिच बहुत कम है। तो मीडिया का जो रिच है वो जनता के सामने बहुत ज्यादा है, चाहे प्रिंट हो या ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो सवाल है कि वो तो उसी झूठ को फैला रही है, और जब वो झूठ को फैला रही है तो निसंदेह जनता भी उसी झूठ को स्वीकार कर रही है। तो कठिनाई वहां ये हो रहा है। एक सच्चाई तो ये है शिक्षा विभाग की कि पूरे हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार से शिक्षा में परिवर्तन किए जा रहे हैं, वो आगे चल करके हिंदुस्तान में न जाने किस प्रकार के जो है शिक्षित लोगों को प्रोड्यूस करेगी, ये कहना अपने आप में बेमानी हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार के परिवर्तन किए जा रहे हैं, जहां इतिहास को मिथकों के सहारे पढ़ाया जाएगा, विज्ञान को अंडरमाइन किया जाएगा, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और तमाम डार्विन का सिद्धांत वगैरह जो विज्ञान है, अगर आप विज्ञान को नहीं ठीक से पढ़ाएंगे तो आप क्या शिक्षा देंगे। तो जो स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हैं सिलेबस में, जो पाठ्यक्रमों में चेंज कर रहे हैं, और जिस प्रकार की विश्वविद्यालयों में कॉलेजेज में नियुक्तियां कर रहे हैं वाइस चांसलर से लेकर के प्रोफेसर और तमाम, अगर उन नियुक्तियों को आप देखेंगे तो मैं तो समझता हूँ कि पता नहीं आने वाली पीढ़ियां किस प्रकार की प्रोड्यूस होंगी, और आने वाले समय में दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं हिंदुस्तान के तमाम विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति होगी। तो शिक्षा की तो स्थिति ये है, चूंकि शिक्षा के प्रति आप जानते हैं कि अगर आप सही शिक्षा देंगे तो मनुष्य को सवाल करना आ जाता है। क्रिटिकल नॉलेज यही है कि लोग पहली बात जो सवाल करना सीखें, जो कुछ उनको बताया जा रहा है उस पर प्रश्न तो करें। जिस दिन प्रश्न ही करना खत्म हो जाएगा तो सोचिए कि शिक्षा क्या प्रोड्यूस करेगा, वो विद्यार्थी किस प्रकार का प्रोड्यूस करेगा। अगर आप पढ़िए सोक्रेटिस के विषय में, प्लेटो के विषय में, तमाम डायलॉग है वहां, शिक्षक और विद्यार्थी में डायलॉग है, और डायलॉग के थ्रू जो है नॉलेज जो है वो नॉलेज को जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है और आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ तो संवाद ही नहीं होने दे रहे। और एक और बात, दिल्ली विश्वविद्यालय में मोदी जी आए और मोदी जी यहाँ पर अपना जो कुछ वो भाषण दे रहे थे, वो कितना एकेडमिक भाषण था वो तो अलग सवाल है, लेकिन वहाँ नारे क्या लगे हैं, विद्यार्थियों ने वहाँ नारे लगाए या लगवाए गए, जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम वगैरह वगैरह। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जब इस प्रकार के नारे लगवाए जाएंगे, और मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि ये नारे क्यों लगा रहे हैं आप, और तो और मोदी 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 के वहां लगातार जो है लोगों ने नारे लगाए, तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षा के प्रति उनका क्या प्रेम है। तो ये सारे सवाल हैं, और निसंदेह ये अंधेरे भारत का निर्माण करने जा रही है, एक डार्क वेज, और वी हैव ऑलरेडी गॉन बैक टू द 18th and 9th century, जहां मिथकों के सहारे जो है वो सब कुछ सच्चाई बयां की जाती थी। इतना ही नहीं, वो अतीत के विषय में उन तथ्यों को रखने की कोशिश करते हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है। तो जब प्रमाण के बिना आप जो है ज्ञान देंगे, सोचिए वो किस प्रकार का ज्ञान होगा। और दावा ये कि वो विश्वगुरु हैं, तो विश्वगुरु हैं किस क्षेत्र में विश्वगुरु हैं, अरे कोई तो क्षेत्र होगा, चाहे ज्ञान का क्षेत्र है, चाहे सैन्य शक्ति का मामला है, चाहे अर्थव्यवस्था का मामला है, कोई तो होगा जिसमें आप कह सकें प्रमाणिक दृष्टि से कि मैं विश्वगुरु या भारत विश्वगुरु है। अब तो ये भी एक कहना प्रारंभ कर दिया, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, अमेरिका में कह दिया कि डीएनए में हमारे जो है लोकतंत्र हैं, रगों में लोकतंत्र है, और सारी बातें करने के बावजूद एक आलोचना को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, एक आलोचना। और एक व्यक्ति अगर आलोचना करने की कोशिश करता है तो जिस प्रकार का ट्रॉल किया जाता है, जिस प्रकार से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और जो भाषा का प्रयोग होता है, तो आप सोच लीजिए कि कैसा लोकतंत्र प्रोड्यूस होगा। तो मुझे लगता है कि ये बार बार मोदी जी करेंगे, क्योंकि कोई भी अधिनायक, आप डिक्टेटर्स का इतिहास पढ़ लीजिए, जब वो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, डिलीवर नहीं कर पाता है,
तो उसकी डिक्टेटर से भी एकमात्र उसके पास एक साधन होता है जो लोगों का मुंह बंद कर सके। भारत में प्रॉब्लम यही हो गया है, मीडिया बिल्कुल सत्य को नहीं बता करके झूठ बता रही है। इंटेलिजेंस देखिए किसी भी सरकार के लिए भी एक खतरनाक स्थिति है। इंटेलिजेंस जो है उनको जो खबरें देती हैं, क्योंकि जनता में एक भय व्याप्त हो गया है, आम जनता की बात कर रहा हूं, वो सामान्यतः मोदी जी के खिलाफ किसी भी सत्य को अगर दिल में है भी तो जुबान पे लाने से डरते हैं। ये विश्वविद्यालयों में स्थिति हो गई है, कुछ लोग जरूर कर रहे हैं लेकिन निसंदेह ऐसा नहीं है। तो आप कल्पना कीजिए कि इमरजेंसी के दौर में भी मीडिया पर सेंसरशिप लग गया, इंटेलिजेंस जो है वही खबर देती थी जो इंदिरा गांधी सुनना चाहती थी। परिणाम क्या चला कि जनता के पल्स को पढ़ने के लिए उनके पास क्या जरिया था, तो जो खबरें उनको दी गईं वो खबरें दी गईं कि जनता इमरजेंसी से, उनके 20 सूत्री कार्यक्रमों से, उनके तमाम हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं इन तमाम बातों से प्रसन्न है, नसबंदी से प्रसन्न है, और अगर चुनाव हो जाए तो श्रीमती गांधी जीत जाएंगी। और आप जानते हैं कि 1977 में परिणाम आपके सामने। तो मोदी जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो निसंदेह मोदी जी इस बात को भी समझें कि इन झूठ के सहारे वो जनतंत्र में लगातार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और अब तो उनका व्यक्तित्व सीधे सीधे जनता के सामने है, और उसका परिणाम आप 3-4 राज्य में जो चुनाव होंगे उसमें भी आपको दिख जाएगा। धन्यवाद जी। सर, आज के दौर में नाम बदलने की प्रथा चल रही है, जिस तरीके से बात होती है, हालांकि ये बात मैं जो कह रहा हूँ वो सब्जेक्ट से अलग समझी जाए, ये एक डिस्क्लेमर की तरीके से समझा जाए। हम लोग को ये बताया गया था कि शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया था उसके बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि दूसरा ताजमहल ना बनवा पाए। कंप्यूटर की स्याही हो सकता है, कुछ ऐसा भी प्रिंट करती हो जो दोबारा प्रिंट ना करना चाहती हो और उसके लिए चीजें बदल दी जाती हो। इसी तरीके से दूसरी चीजें ना हो इसके लिए और भी कई सारी चीजें बदल दी गई, जिसमें से कुछ बदलावों का जिक्र शशि शेखर सर कर रहे थे। ऐसा माना जा सकता है कि सत्ता भाई अपने हिसाब से वो कर रही थी। खैर, आत्मजीत सर, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद अपनी ब्रांडिंग करते हैं लगातार, चाहे वो ट्रेन का उद्घाटन करना हो जो आजकल वो झंडी दिखा रहे हैं वंदे भारत को, या राम मंदिर का शिलान्यास करना हो, नए संसद भवन का उद्घाटन करना हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पूजा अर्चना करनी हो, गंगा स्नान करना हो, हर तरीके से जो वो ब्रांडिंग करते हैं, जिस वक्त वो ब्रांडिंग करते हैं उस फ्रेम में दूसरा नहीं दिखता है। इस ये जो ब्रांडिंग है, अब अगर इस इतनी मजबूती से ब्रांडिंग करने के बाद भी हम और आप इस पर सवाल उठाएं तो फिर आगे भविष्य क्या है भाजपा का और इस ब्रांडिंग का, ब्रांड मोदी का? मान लिया जाए कि आने वाले जो चुनाव हैं इन चुनाव में उनका परिणाम दिखेगा। देखिए, अभी गोरखपुर में थे प्रधानमंत्री मोदी, तो वहां गीता प्रेस गए, गीता प्रेस में उन्होंने कल्याण पत्रिका के बारे में ये कहा कि महात्मा गांधी भी लेख लिखते थे इनके लिए, और जो हनुमान प्रसाद पोद्दार हैं और जय दलाल के जिन्होंने ये गीता प्रेस खड़ी की थी उसकी 20 ब्रांचें अक्रॉस द कंट्री हैं, जिसमें 1600 आर्टिकल 15 लैंग्वेजेस में अभी तक पब्लिश है, जो कि बात सही। उसके बाद उन्होंने 29 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे 12,110 करोड़ रुपए के बनारस में, वो उन्होंने वहां पे उनका उद्घाटन किया, और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ में जाके ये कहते हैं कि हमने 1,00,000 करोड़ रुपए का धान जो है किसानों से खरीदा और 22,000 करोड़ ट्रांसफर किए हैं। अगर स्टेट ये कहती है कि स्टेट परचेस कर रही है और सेंटर उनको पैसा नहीं दे रही है तो बिल्कुल झूठ कह रही है। हालांकि स्टेट के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल उनके बगल में खड़े थे और उन्होंने बाद में अपने प्रेस में कहा कि ये बिल्कुल सरासर झूठ है, अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसा झूठ बोल सकता है तो कोई भी बोल सकता है, क्योंकि स्टेट परचेजिंग कर रही है, स्टेट की ट्रेडिंग स्टेट की कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन जो है ये परचेज कर रही है और सेंटर से उनको कोई मदद नहीं मिल रही है, इस बारे में वो कहते हैं। एक बात मैं और चिन्हित कर दूं कि यूएस एम्बेसडर ने, जब एरिक रैक्टी ने एक कोलकाता में फंक्शन में ये कहा कि अगर मणिपुर की वायलेंस नहीं रुक पाती है तो यूएस उसमें हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है, अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कहे तो हम अपनी एक्सपर्टीज यूज करके वहां की मणिपुर का जो भी इशू है, ट्राइबल इशू है, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इसको अपोजिशन पार्टीज ने और कांग्रेस ने इसका बिल्कुल विरोध किया, उन्होंने ये कहा है कि ये हमारा इंटरनल मामला है, अगर हमें कोई इसमें मामला सुलझाना होगा तो सारी ऑपोजिशन पार्टीज मिलकर ये काम कर सकती हैं। पर ये वक्तत्व तो प्रधानमंत्री मोदी से नहीं आया कि ऑल पार्टी मीट कर गए, ऑल पार्टी डेलीगेशन जो है वो मणिपुर भेजा जाए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। हालांकि जब ऑल पार्टी डेलीगेशन की मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई तो अमित शाह के सामने उनको बोबी सिंह को बोलने नहीं दिया गया और ना ये कहा गया ना प्रस्ताव रखा गया कि ऑल पार्टी डेलीगेशन मणिपुर में जाके अलग अलग लोगों से बात करके और उसका ये मामला रखे। तो अब मामला ये है
कि बीजेपी इलेक्शन मोड में रहती है 24 घंटे। 2024 के इलेक्शन के लिए उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में अपने अपने इंचार्ज भी बना दिए हैं। उसमें तीन स्टेटों में शायद कॉमन इंचार्जेस हैं जो पिछले 2023 से काम कर रहे हैं। इस साल के शुरुआत से उनको अपॉइंट किया गया है, जिनकी फॉर्मल अनाउंसमेंट की गई है, और उनको विषय यही है कि किस तरीके से हम ऑपोजिशन को डेसिमेट करें, बिहार में केसेस लगा के तेजस्वी यादव पे किस तरीके से हम उनको तोड़ें, एनसीपी को तोड़ के किस तरीके से हम ये कहें कि ऑपोजिशन यूनिटी है ही नहीं है, और ब्रांड मोदी के आगे कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो टिक सकता हो। कांग्रेस ने हालांकि एक श्वेत पत्र जारी किया है, उसमें कई लोगों के ऐसे नाम लिए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का नाम लिखे। उसमें सबसे ऊपर नाम किरण पटेल का है, एक संजय राय शेरपुरिया का है, एक नीरज सिंह राठौर है मोरबी गुजरात के। कहा जाता है मई 2023 में उनको अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो एकनाथ शिंदे में मिनिस्टर बनाने के लिए 2 MLA से पैसा ले चुके थे। एक यश अमीन करके हैं, उनका नाम विराज शाह पटेल बताया जाता है, वो अपने आप को भतीजा कहते हैं अमित शाह का, और वो कहते हैं कि गिफ्ट सिटी, जो नई गिफ्ट सिटी बनी है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑफिस खोलने की बात की है, उसके वो अपने आप को प्रेसिडेंट बताते हैं। एक ब्रजेश रतन नाम के आदमी है जो रेलवे कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए एक आदमी से 2 करोड़ रुपए बिजनेसमैन से ले चुके हैं। एक है अंकित कुमार सिंह जो अपने आप को PMO सेक्रेटरी इम्पर्सोनेट करते हैं। एक वासुदेव निवतू करके हैं, PMO में अपने आप को इंटेलिजेंस का आदमी बताते हैं। पुणे पुलिस ने उनको 2023 में चार्जशीट फाइल करके उनको अरेस्ट किया। और एक और हैं उत्तर प्रदेश के सत्येंद्र प्रकाश चतुर्वेदी, बरेली से आते हैं, अपने आप को PMO CMO का वो बताते हैं कि मैं PMO से भी अटैच हूँ और CMO से भी अटैच हूँ और काम कराने के पैसे लेते हैं। अब अगर मोदी राज में करप्शन नहीं है तो ये लोग कौन है? अगर ये अरेस्ट होते हैं तो इन पे चार्जशीट फाइल क्यों नहीं होती? और अगर इन पे इनको बेल्स भी मिल जाती हैं लोअर कोर्ट से, और अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि जितने भी मोदी हैं, जितने भी चोर हैं, उनके नाम के सरनेम मोदी क्यों है, तो उसको सुप्रीम हाई कोर्ट ये कह के कह देती है कि ये तो बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है, इसमें तो बड़े क्लियर एंटीसीडेंट्स हैं कि इसकी कॉग्निजेंस ली जानी चाहिए कि राहुल गांधी जो हैं वो तो कहते हैं ना वो सीरियल ऑपरेटर हैं, कि मतलब वो गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं। और एक और बड़े मजे की बात है कि वीर सावरकर का जो रिमार्क था उनकी बात से, कि वीर सावरकर के बारे में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ कहा, तो जब मार्च 23 को उस एप्लीकेशन पे सुनवाई शुरू हो जाती है और उस पर जजमेंट आ जाती है लोअर कोर्ट की, तो वीर सावरकर रिमार्क तो उसके बाद का है, तो उसको बगैर प्लीड किए आप उसको अपने जजमेंट में कैसे ले सकते हैं? प्रोसिक्यूशन ने उसको प्लीड ही नहीं किया और आपने वो कागज का पर्चा लिया और उसको कह दिया कि वीर सावरकर के बारे में भी इन्होंने ये सब कहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, वो ये कहते हैं जो एक बड़ा विषय है कि एक मोदी शब्द जो है वो एक बहुत बड़े समुदाय का एक लार्ज आइडेंटिफिकेशन, कैसे आप कह सकते हैं कि बहुत सारे समुदाय, 13 करोड़ मोदियों को आहत किया उन्होंने, हालांकि मोदी सरनेम कई जातियों, मतलब कई विचारधारा के लोगों को, कई रिलीजियस अलग अलग नामों से, पारसी भी मोदी हैं, गुजराती भी मोदी हैं, मारवाड़ी भी मोदी हैं, तो कौन से विचारधारा के लोग या कौन से जाति के लोगों को आहत हुआ ये भी क्लियर नहीं किया गया। तो कहा जाए, कहने का मतलब ये है कि टाइम एंड अगेन हमने देखा है जब भी कोई ऐसा सत्ता में सत्ताधीश आता है जो अपने आप को खुदा मानने लगता है, तो वो ना कोर्ट्स की सुनता है, ना वो इलेक्शन कमीशन की सुनता है, ना वो देश के कितने भी आप इंस्टीट्यूशंस ले लीजिए उनकी बात को वो मानता है, वो कहता है मैं जो कह रहा हूं वही सही है। तो ये मोदी जी का जो वक्तित्व है, जो उनका ब्रांड है, वो कहीं ना कहीं इस देश के अर्थव्यवस्था को, इस देश के विकास को, इस देश की सांप्रदायिक व्यवस्था को, इस देश की माइनॉरिटीज को इनसिक्योर करता है। और जिस तरीके से वो आर्टिकल 370, राम मंदिर और UCC को एक ही स्वर से कहते हैं, तो बड़ी क्लियर बात है कि जी आनंद जी, आतंकी सिंह साहब कंक्लूड करिएगा। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, तो ये सारी बातें जो हैं ये मोदी जी की मानसिकता को दर्शाती हैं कि वो माइनॉरिटी विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये डर सता रहा है कि अगर मैं इलेक्शन हार गया तो मेरे साथ क्या होगा। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को लेकर वो ज्यादा गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं और आने वाले समय में उनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी जी
एक किसी ने एक रिमार्क दिया है, सैयद मोदी वॉज अ मुस्लिम फ्रॉम लखनऊ। सैयद मोदी लखनऊ से नहीं थे, सैयद मोदी गोरखपुर से थे। खैर मैं सिर्फ किसी ने यहाँ एक रिमार्क दिया। ब्रिजेश सिंह साहब एक क्लोजिंग स्टेटमेंट, समय खत्म है, लेकिन फिर भी एक बहुत जल्दी से, ये हमारे मोदी जी को एक विक्टिम कार्ड खेलने की क्या जरूरत पड़ती है? जब वो विक्टिम कार्ड इस बार कर्नाटक में खेल रहे थे तो प्रियंका गांधी ने उसका जवाब दिया कि आप अपना रोना रोते हैं कि लोग आपके पास आके अपना रोना रोएं। एक इस पे और एक को जो मौन रहना इंपॉर्टेंट इश्यूज पे, दो ट्रेडमार्क हैं। एक बहुत क्विक रिएक्शन ऑन दिस और फिर हम क्लोज करेंगे। जी नमस्कार। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक ऐसा कल्ट बनाया है। मेरी आवाज आ रही है? आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक ऐसा कल्ट बनाया है कि वह कई बार चीजों को मुंह से ना कह करके एक खास तरह का एक्ट करते हैं और पूरी पार्टी और पूरे देश को एक संदेश चला जाता है नरेंद्र मोदी जी का इस मामले में स्टैंड क्या है। तो जिस तरीके से वो जो विक्टिम कार्ड खेल रहे होते हैं तो कुछ लोगों को मैसेज दे रहे होते हैं कि एक्चुअली जो मुझे कहा गया है वो मुझे नहीं कहा गया है, एक किसी समाज या समुदाय को कहा गया है जिसके लिए वो पीड़ित है। मतलब उसका टोटल वो वोट की राजनीति के हिसाब से एक वर्ग को उद्देलित करना चाहते हैं कि यह चीज जो कही गई है समाज के इस वर्ग के लिए कही गई है और उसके लिए मैं बहुत दुखी हूं, बहुत पीड़ित हूं। जैसे कर्नाटक में किसी के साथ मारपीट का मामला आया था और उन्होंने कहा समर्थकों से कि आप मुझे मार लीजिए लेकिन आप दलित भाई के साथ जो वहां के जो आदिवासियों के साथ ऐसा मत करिए, तो उसका मैसेज सीधा सीधा था कि मैं इतना पीड़ित हूं उस वर्ग के साथ हुई घटना को लेकर के कि मैं खुद को प्रेषित कर रहा हूं सजा के लिए और इस बहाने वह वोट वर्ग को बहुत सेंटिमाइज करते। जो मोटी बुद्धि का इस देश का मतदाता वर्ग है वैसे मोटी बुद्धि किसे कर रहा हूं कि चलाकियों को सुनकर भी अनसुना कर देता है और वह उन शब्दों में फंस जाता है जो सामने वाला नेता कह रहा होता है। इस तरह से फिल्मों में हम जब आर्टिस्ट आंसू बहा रहा होता है हम अच्छी तरह जानते हैं कि आदमी आंख में ग्लिसरीन डाल के आंसू बहा रहा है और 5 मिनट बाद एक्टिंग के बाद हो सकता है कहीं घूम रहा होगा, लेकिन फिर भी उस समय थोड़ी देर के लिए हम भावनात्मक रूप से बच जाते हैं। उसी भावना को उसी विचार को जो है यह राजनीति में बखूबी प्रयोग करते हैं। मन से आंसू गिराना, मन से इस तरह की बातें करना, तो वो एक टोटल हम बहुत शुरुआत से कहते थे जब इनके बारे में मोदी जी को इतने सारे सवाल नहीं थे कि जो पुराने दौर की जो पहले जो स्टेज आर्ट्स होती थी, कलाकार जो अपने मजे हुए कलाकार जो स्टेज पर प्रदर्शित करते थे वो उसका रूप इनके पूरे राजनीतिक उसमें है संस्करण में। और वो थोड़ी देर के लिए जब मंच पर आते हैं तो सामने बैठी हुई जनता को जानते हुए भी कि आदमी अभी भी थोड़ी देर पहले अपना मेकअप करके मंच पे आया, मंच के पीछे हो सकता है कि कुछ और कर रहा हो, लेकिन उतने समय के लिए वो मर जाता है उनके साथ और वो आकर उठता है। उस कला का इस्तेमाल राजनीति में रैलियों में मंच में बयानों में अपने करते हैं और एक बार को लगातार अपने साथ बांधे रहते हैं। दूसरी बात जहां तक उनकी चुप्पी की है, वो चुप्पी साधनी के पीछे उनकी सीधी सी रणनीति है कि वह एक जो होता ना कि एक मूर्तापूर्ण जिद। कई बार वो जानते हैं कि मेरा स्टैंड यहां ठीक नहीं है लेकिन वह चूंकि विपक्ष से और दूसरे जो उनसे लोग संबंधित नहीं है वह इस पर सवाल उठा रहे हैं तो मैं इस चीज को अनदेखा करूंगा और ये बताऊंगा कि मैं जिस चीज को अनदेखा करता हूं वह अनदेखा ही रह जाती है, वहां न्याय देने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने मान लिया कोई चीज लायक नहीं है उसका कोई न्याय नहीं मिलने वाला है और उस चीज पर कोई बात नहीं करते हैं, उसे विमर्श नहीं आने देते हैं पूरे समय के लिए। मणिपुर में मैं ऐसा क्या देखता हूं कि बीजेपी आखिर वहां चुप क्यों, क्यों प्रधानमंत्री चुप है? कोई रीजन नहीं समझ में आता चुप होने का, लेकिन क्योंकि विपक्ष ने दूसरे लोगों ने सवाल उठाया है तो मैं इसको ऐसा अनदेखा करता हूं कि आपके कहने के बावजूद भी विमर्श का हिस्सा नहीं बनेगा। इससे मेरी ताकत, मेरा ईगो इससे दिखता है, तो अपने ईगो को इतना ऊपर कर लेते हैं कि मुद्दे उनके लिए, पीड़ित उनके लिए सब निष्प्रभावी हो जाते हैं। ठीक है जी जी। मैं असल में इस बार समय का थोड़ा बहुत वो है, बैक टू बैक है, अगला सेशन शुरू होना है। ब्रिजेश जी तो हैं पार्ट इसका हिस्सा, वो देख रहे हैं। आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रोफेसर अखिल, प्रोफेसर शशि, आतंकजीत सिंह साहब, ब्रिजेश जी, थैंक यू सो मच।